नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे हाथ में एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, कॉस्मिक SPBT यहाँ पे लिखा हुआ है, और 039A इसका मॉडल हो गया। फ्रेंड्स, ये जो मॉड्यूल था, अब तक जो आता था वो सिंगल IC में आता था, लेकिन अब हमारे पास ये डबल IC में अवेलेबल है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि मोस्टली लोग चाहते हैं कि हम एम्पलीफायर में दो स्पीकर यूज करें। अगर हम कोई DIY एम्पलीफायर बना रहे हैं घर पे, तो उसमें हम दो स्पीकर यानी 3D या स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है, लेफ्ट और राइट अलग अलग तरफ से साउंड का एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो यहाँ पे डबल IC जिसके अंदर दो IC एम्पलीफायर की लगाई गई है दोनों स्पीकर के लिए। साथ ही यहाँ पे आप एक IC देख रहे हो, ये इसका मेन IC है जो ब्लूटूथ वगैरह इससे सारा चलेगा। ये इसके IC के बारे में हो गया। और फ्रेंड्स, इसके बैक साइड में ज़्यादा कुछ है नहीं। फ्रेंड्स, इसकी खास बात ये है कि इसमें सारे फंक्शंस दिए गए, चाहे वो स्विच हो, जैसे स्विच हमें लगाना होता है एम्पलीफायर को ऑन और ऑफ करने के लिए अलग से, लेकिन इसमें यहाँ पे स्विच दिया गया है। ये एक स्लाइड स्विच है जिससे हम एम्पलीफायर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग के लिए एक जैक दिया गया है, ये टाइप बी सैमसंग वाला है, एक चार्जिंग जैक। और उसके बाद यहाँ पर तीन स्विच दिए गए हैं, जैसे नेक्स्ट और बैक करने के लिए सॉन्ग को, साथ ही प्ले पुश या मोड चेंज। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो एक AUX के लिए स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप AUX से म्यूजिक प्ले करना चाहो तो उससे भी म्यूजिक प्ले कर सकते हो। यहाँ पे एक USB जैक दिया गया है, अगर आप पेन ड्राइव वगैरह से जो म्यूजिक प्ले करना चाहो तो पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे TF यानी आप इसमें डायरेक्ट मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। ये इसके सारे फंक्शंस दिए गए हैं। हम अगर एम्पलीफायर नॉर्मल घर पे बनाते कोई DIY, तो हमें उसमें तीन सर्किट लगाने होते हैं, जैसे चार्जिंग सर्किट, ब्लूटूथ मॉड्यूल और एम्पलीफायर मॉड्यूल। लेकिन इसमें सब कुछ दिया गया है, साथ ही इसमें हमें स्विच के भी कंट्रोल मिल जाते हैं। कनेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये रेड वाला जो स्लॉट है इसका, ये हो गया इसकी बैटरी के लिए, जहाँ पर आप कोई भी बैटरी लगा सकते हो, 3.7 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट तक, या 5 वोल्ट भी आसानी से चल जाएगा। और 5 से ज़्यादा मत लगाना, वरना आपका ये मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। यहाँ पे दो स्लॉट और दिए गए, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, एक लेफ़्ट और एक राइट के लिए, जहाँ पे अलग अलग IC दी गई हैं। ये दोनों स्लॉट जो है स्पीकर के लिए हो गए, आप यहाँ पर 5 वोल्ट के कोई भी स्पीकर चला सकते हो। इधर यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे आप ध्यान से देखोगे तो स्पीकर यानी राइट स्पीकर, लेफ़्ट स्पीकर, ये ग्राउंड और बैटरी। इधर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है GND यानी ये ग्राउंड हो गया, और इधर माइक। अगर आप इसमें माइक यूज़ करना चाहो तो माइक भी लगा सकते हो। माइक के लिए आपको अलग से इसमें जो एक स्लॉट डालना पड़ेगा, और ये आपकी माइक के लिए भी रेडी हो जाएगा। वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। अगर फ्रेंड्स आप इसमें FM मोड चला रहे हो, तो आपको इसमें एंटीना कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर एंटीना कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है FM एंटीना, ये इसका एंटीना का पॉइंट हो गया। ये मैंने इसके बारे में सब कुछ आपको बता दिया, इसकी IC वगैरह और कनेक्टर वगैरह। तो यहाँ पे मैं दो स्पीकर ले रहा हूँ, ये 1.5 इंची और 5 वाट का स्पीकर है, 4 ओम 5 वाट का। ये दो स्पीकर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, दोनों स्लॉट में हमें एक एक स्पीकर यहाँ पे फिट करना है। और उसके बाद जो रेड कलर का आप स्लॉट देख रहे हो, ये वाला, यहाँ पे हमें बैटरी लगा देनी है। इस तरीके से हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैं स्लाइड स्विच को स्लाइड करता हूँ, यहाँ पे एक लाइट जल चुकी है और दोनों स्पीकर से एक साउंड आई ब्लूटूथ मोड की। अब मैं यहाँ पे अपना मोबाइल ले रहा हूँ और मैं जो है सर्चिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे एक मॉड्यूल आ चुका है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 039A करके। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये पेयर का ऑप्शन आ गया, और ये इसके साथ पेयर हो चुका है, साउंड आ चुकी है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको NCS प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम नॉर्मल म्यूजिक प्ले करेंगे तो कॉपीराइट आ सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे जो प्ले कर रहा हूँ वो NCS यानी नो कॉपीराइट साउंड का यूज़ कर रहा हूँ। Fire is burning. You need to embrace all that you are. Stay.
तो फ्रेंड्स मैंने इसकी आपको टेस्टिंग करके दिखाई कंप्लीट कि ये किस तरीके से जो चल रहा है, और इसकी साउंड क्वालिटी आपको चेक करके दिखाई। अगर फ्रेंड्स आप इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हो काफ़ी चीप प्राइस में, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके इसको ख़रीद सकते हो। शर्मा डॉट इन स्टोर पर ये अवेलेबल है। यही नहीं, वहाँ पे आपको सारे टाइप के स्पीकर, ऑल टाइप के ब्लूटूथ मॉड्यूल और काफ़ी टाइप की बैटरी, साथ ही आपको वहाँ पे एम्पलीफायर से रिलेटेड काफ़ी सारा सामान जैसे पैसिव रेडिएटर वगैरह मिल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक के पूरे कंपोनेंट और एम्पलीफायर के भी पूरे कंपोनेंट वहाँ पे अवेलेबल हैं। स्टोर विजिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके टाइप करना है और सारा स्टोर आपके सामने खुल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।